हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉयड का इन्वर्टर एसी। जी हाँ दोस्तों, 2024 का लेटेस्ट मॉडल है, इन्वर्टर एसी है। और जो लोग शौकीन है ना भैया इंडोर कमरे के अंदर, जो इंडोर होता है वो बढ़िया डिजाइनर हो, तो उनके लिए आज मैं एसी लेके आया हूँ डिजाइनर इंडोर। आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, क्योंकि आपके लिए लेके आया हूँ लॉयड का 1.5 टन का इन्वर्टर एसी 3 स्टार रेटिंग में। पूरी वीडियो देखना भाई साहब, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, क्या क्या साथ में मिलता है, कितने टाइम की वारंटी है। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो हमेशा मैं लाता हूं आपके लिए, जिससे क्या है आपको फ़ायदा होता है। अभी आपने एसी लेना है या आपका एसी ख़राब हो गया तो भी एसी लेने की सोच रहे हो, गैस डलवानी है तो भी सोच रहे हो, यार हर साल गैस का खर्चा हो जाता है, नया ही एसी ले लेते, झंझट ही ख़त्म है। तो आपके लिए बढ़िया एसी लेके आया हूँ, इसको देख लो, वीडियो देखना, हर चीज़ डीपली आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको क्या क्या इसके साथ फ्री मिलेगा, कैसा ये लुक में, इसका आउटडोर कैसा, पाइप कैसा, सारी चीज़ें, कौन सा पाइप लगा, सारी डिटेल आपको मिलने। तो दोस्तों ये देखिए, ये है लॉयड का 3 स्टार इन्वर्टर एसी, 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। इसको कहते हैं अनबॉक्स और दिखाते हैं आपको किस लुक में आपको इंडोर मिलने वाला है, इसके साथ क्या क्या मटेरियल मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसके साथ सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ मिलेगी वायर। ये देखिए, ये लगती है इंडोर टू आउटडोर जो पाइप जाता है उसमें ये वायर लगती है। तो इसमें ये अच्छी चीज़ है, ये क्लैंपिंग जो दे रखी है ये सीधा इंडोर में ऐसे लग जाएगी, पेच खोलने की जरूरत नहीं है सीधा, नहीं तो नॉर्मली वायर होती है पेच उसमें स्क्रू करने पड़ते हैं, सीधा क्लैंप दे रखे हैं, वायर अच्छी दे रखी है। और ये वाला किनारा आउटडोर में सप्लाई में जुड़ जाएगा, आउटडोर में वायर जुड़ जाएगी, तो बढ़िया चीज़ दे रखी है, क्लैंप करके दे रखे हैं। ये देखिए, ये आउटडोर में लगेगी और ये सीधा ही इंडोर में क्लैंप हो जाएंगे, क्लैंप जोड़े हुए। और ये है रिमोट जो कि एसी के साथ में आपको मिलने वाला है, ऑन ऑफ का बटन है, टर्बो है, इकोनोमो मोड है, स्लीप है, मोड है, ये सारे के सारे फंक्शन आपको मिलने वाले हैं। इसमें हो सकता है दोस्तों कुछ बटन काम ना करें, क्योंकि कॉमन रिमोट होते हैं बहुत से एसी के, तो इसलिए हो सकता है कुछ फंक्शन काम करें और कुछ ना करें, क्योंकि हो सकता है सारे भी काम कर सकते हैं लेकिन कुछ हो सकता है ना भी करें, कोई ज़रूरी नहीं है। पीसीबी अलग होते हैं लेकिन रिमोट कॉमन कर देते हैं, उस हिसाब से वो ऑपरेट होते हैं, किसी में कुछ फंक्शन काम करते हैं किसी में नहीं करते। ये वाला रिमोट आपको मिलने वाला है, मैनुअल साथ में मिलने वाली है। अब आगे यदि बात करते हैं इंडोर की, इंडोर आपको दिखाते हैं खोल के कैसा दिखने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये है इंडोर, इसको पूरा अनबॉक्स कर देते हैं। थर्मोकोल से दोनों साइडों से अंडर पैक होके आता है, इसको एक बार खोल लेते हैं और दिखाते हैं। लॉयड अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, हैवल्स वालों का ब्रांड है, हैवल्स का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं का ये ब्रांड है। तो ये देखिए दोस्तों, R32 इसके अंदर गैस है, 100% कॉपर में है। ये देखिए, ये इस तरह से पीछे प्लेन लगी हुई मिलेगी आपको, जो कि इंडोर हैंग होता है जिसपे, उसके अलावा कॉपर पाइप होता है, पाइप जहाँ जुटता है। ये देख लीजिए, फ्लेयर नट है दोनों में, हाँ ये देख लीजिए, फ्लेयर नट मिलेंगे, उसी में ही पाइप जॉइंट हो जाता है, वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों, ये हैं पाइप, जो पाइप की क्वालिटी देख लीजिए, फ्लेयर नट साथ में लगे हुए आपको मिलेंगे। तो आप दिखाते हैं इसका दोस्तों आपको इंडोर, इंडोर भी आपको दिखा देते हैं। इसका इंडोर जो है वो है डिज़ाइनर। जी हाँ दोस्तों, इसका इंडोर आपको डिज़ाइनर मिलने वाला है। कुछ ऐसी होते हैं जिनका इंडोर बिल्कुल वाइट होता है, लेकिन इस पर आपको डिजाइन मिलेगा, कौन सा डिजाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके एसी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल बता देता हूँ, जिससे आपको ईजी रहेगा एसी के बारे में जानना। तो इसका इंडोर एक बार घुमा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पन्नी चढ़ी हुई है, इसको उतार लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से आपको इंडोर मिलने वाला है। डोर ये डिजाइन बना हुआ है, इंडोर के ऊपर ही ये हैवल्स ब्रांड लिखा हुआ है। ये इन्वर्टर एसी है दोस्तों, ये देखिए, इस लुक में आपको 3 स्टार रेटिंग में लॉयड का इन्वर्टर एसी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 स्टार रेटिंग में इन्वर्टर एसी मिलेगा, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मॉडल नंबर है वो है GLS 18 I3F WSPC, GLS 18 I3F WSPC इसका मॉडल नंबर है।
3.95 इसकी आयशा वैल्यू आपको मिलने वाली है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 4800 वोट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 941 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। इसके सेंटर में ही आपको डिस्प्ले शो होगी, इंडोर के अंदर ही डिस्प्ले आएगी जिसमें टेम्परेचर आपको शो होगा। सिंगल फ्लैप है दोस्तों, इस तरह से सिंगल फ्लैप है, इस तरह से आपको इंडोर मिलने वाला है। 100% कॉपर में ये एसी आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आउटडोर की, आउटडोर को खोल देते हैं। ये देखिए ये है लॉयड का इन्वर्टर एसी का आउटडोर, इस लुक में आउटडोर मिलने वाला है। इसके साथ आउटडोर का कोई स्टैंड नहीं आता दोस्तों, आउटडोर का स्टैंड अलग ही लेना पड़ता है आपको। चौकी भी आती है, वॉल माउंटेड स्टैंड भी आते हैं, जो आपके छत पे जगह है उस हिसाब से आप स्टैंड ले सकते हैं। ये देखिए ये 3 मीटर पाइप साथ में आपको मिलेगा, स्लीव चढ़ी हुई होती है इसके ऊपर। ये देख लीजिए, ये है कॉपर पाइप, फ्लेयर नट सब कुछ साथ में है कि जिससे क्या है वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्लेयर बन जाएगी और टाइट हो जाएगा फ्लेयर नट। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है आउटडोर, इस लुक में आउटडोर मिलने वाला है। लॉयड का लोगो मिलने वाला है आपको। अब साइड में आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे आउटडोर के पाइप जॉइंट होते हैं। ये देख लीजिए पूरा कवर्ड है, प्रॉपर ढंग से रबड़ लगी हुई, कोई किसी भी तरह का मॉइस्चर ना जाए। ऊपर ढक्कन है इसका वायर का, यहाँ से वायर जुट जाती है। ये देख लीजिए, ये है इसकी कंडेंसर कॉइल, 100% कॉपर में है, 100% कॉपर में एसी आपको मिलने वाला है। ये देख लीजिए इस तरह से आपको ये आउटडोर की कंडेंसर कॉइल मिलेगी। इसका अगर प्राइस की बात करें तो 32,000 के आसपास का इसका रेट है। 32 भी हो सकता है, 32.5 भी हो सकता है, 31.5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, वहाँ पे क्या रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से ये इस तरह से ये आपको लॉयड का इन्वर्टर एसी 3-स्टार रेटिंग में मिलेगा, 100% कॉपर में, R32 गैस है, 3 मीटर पाइप है। ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। कूलिंग कैपेसिटी इसकी 4800 वोट है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी 941 यूनिट्स कंज्यूम करेगा एक साल में। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।